हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत स्ट्रेस के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन स्ट्रेस यानी कि ध्वनि परिवर्तन का एक कारक है। ध्वनि परिवर्तन क्या है ये हम देख लेते हैं। भाषा का तत्व ध्वनि है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तन ही वस्तुतः ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। ध्वनि उच्चारित होने पर दूसरों के द्वारा सुनी जाती है, अतः वक्ता की ध्वनियों का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है। व्यक्तियों के उच्चारण अवयव एवं श्रवण अवयव भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये देखा ही जाता है सामान्यता कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है अवयव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इन सब का प्रभाव ध्वनियों पर पड़ता है। जिससे ध्वनि परिवर्तन होता है इसके अनेक कारण होते हैं। वाक्यंत्र में दोष कहने का तात्पर्य किसी किसी व्यक्ति के ओष्ठ मोटे होते हैं या फिर जिभ्या किसी अन्य आकार लिए रहती है, तब ध्वनि परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। व्यक्ति करना नहीं चाहता, स्वतः ही हो जाता है। अज्ञानता, जब अज्ञानता होती है तब भी शब्द को क्लियर बोलने का तरीका नहीं पता होता है, तब भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। बोलने में तत्परता, अगर हम बोलने में शीघ्रता करते हैं तब भी ध्वनि परिवर्तन स्थिति बन जाती है। बोलने की बुद्धि यात्रा कहने का तात्पर्य, जब बोलने की बुद्धि यात्रा मतलब योग्यता नहीं होती है तब भी ध्वनि परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। भावुकता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनेक प्रकार के भाव दुख हर्ष शोक आदि उदय हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। बोलने में लापरवाही, अगर व्यक्ति या छात्र बोलने में लापरवाही करता है, शीघ्रता से बोलता है या फिर रुक रुक कर बोलता है, तब भी कभी कभी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। उदाच्छात्मक शब्द भी ध्वनि परिवर्तन के कारक हैं। भौगोलिक प्रभाव तो मुख्य ही है। अन्य भाषाओं का प्रभाव, कभी कभी अन्य भाषाओं का जब प्रभाव विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाता है तब भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। सादृश्य यानी कि एकता जब होती है, एक जैसी ही ध्वनियाँ होती हैं तब भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। और बलाघात, जो कि हमारा मुख्य पॉइंट आज बिंदु यही है, बलाघात यानी कि स्ट्रेस के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। तो हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। स्ट्रेस पर, बलाघात यानी कि स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस भाषा के प्रयोग में। अंश पर, भाषा के प्रयोग में शब्द के किसी विशेष अंश पर या शब्द समूह में से किसी शब्द विशेष पर बल दिया जाना ही बलाघात यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बलाघात शब्द अथवा शब्द समूह के उच्चारण में बल या आघात है, जिसे वक्ता शब्द अथवा शब्द समूह के किसी अंश पर प्रयुक्त करता है। कहने का तात्पर्य, बल का क्या है मतलब? बल का मतलब है कि धक्का, यानी कि किसी चीज पर जोर देना। ऐसे ही जब हम शब्द पर जोर देते हैं या बल लगाते हैं या आघात करते हैं तब जो है वो बलाघात यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है और ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं, इन लिंग्विस्टिक्स एंड पर्टिकुलरली फोनोलॉजी, स्ट्रेस और एक्सेस इज रिलेटिव एम्फसिस और प्रोमिनेंस गिवन टू ए सर्टेन सिलेबल इन ए वर्ड और ए सर्टेन वर्ड इन ए फ्रेज और सेंटेंस। दैट एम्फसिस इज टाइपली कॉज्ड बाय सच प्रॉपर्टीज एज इंक्रीज लाउडनेस एंड वोवल लेंथ, फुल आर्टिकुलेशन of the vowel and change its pitch, the terms stress and accent are often used synonymously in that context but are sometimes distinguished. For example, when emphasis is produced through pitch alone it is called pitch accent, and when produced through length alone it is called a quantitative accent. When caused by a combination of various intensified properties it is called stress accent and dynastic accent. भाषा में बलाघात संबंधी व्यवस्था उस भाषा की प्रकृति से नियंत्रित होती है जिसे वक्ता शब्द समूह है या शब्द या किसी अंश पर प्रयुक्त करता है। किन्हीं दो भाषाओं में बलाघात का सांचा स्वरूप यानी कि एक जैसा नहीं होता। अन्य भाषा सीखने वाला छात्र प्रथम भाषा यानी मातृभाषा की सहज आदत के फलस्वरूप
प्रथम भाषा के बलाघात सांचे को अन्य भाषा में यदि उस भाषा में बलाघात है तो आरोपित कर देता है। इसके फलस्वरूप अन्य भाषा के उच्चारण में अजनबीपन और बलाघात संबंधित त्रुटियां स्पष्ट दिखाई देती है। कभी कभी कुछ भाषाओं में बलाघात नियमीय बन जाता है, जैसे कि बलाघात परिवर्तन के कारण अर्थ में भी अंतर आ जाता है। स्पेनिश और अंग्रेजी में ये विशेषता देखी जाती है। अंग्रेजी में ट्रांसफर शब्द संज्ञा शब्द का अर्थ स्थानांतरण है, परंतु क्रिया रूप में किसी इसी शब्द का अर्थ केवल अंतरण है। स्पष्ट है यही हो जाता है कि अन्य भाषा में उच्चारण का अभ्यास कराने के साथ साथ भाषाई व्यवस्था के अनुरूप बलाघात का भी अभ्यास कराना संभव है। यद्यपि अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के संदर्भ में बलाघात की स्थिति विवादास्पद है, फिर भी उच्चारण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इससे परिचित होना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे स्ट्रेस टीचिंग यानी कि बलाघात शिक्षण। अन्य भाषा के शिक्षण में ध्वनियों के उच्चारण के साथ साथ उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप बलाघात शिक्षण भी विशेष महत्व रखता है। अन्य भाषा सीखने वाला छात्र मातृभाषा की बलाघात व्यवस्था का अन्य भाषा में आदतवश प्रयोग कर जाता है, इसके लिए बलाघात का शिक्षण आवश्यक हो जाता है। बलाघात शिक्षण में जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है नियमों से परिचित कराना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नियमों से परिचित कराना। छात्रों को अन्य भाषा में बलाघात के नियमों से परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। इससे शब्दों के सही उच्चारण में सहायता मिलती है। अन्य भाषा के शिक्षण में छात्रों को बलाघात तथा लय के प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। ये मातृभाषा की इन व्यवस्थाओं से सीमा तक परिचित हो जाता है कि उसमें भिन्न यानी कि उससे भिन्न दूसरी व्यवस्था के प्रयोग में उसे कठिनाई होती है। ध्वनियों की भांति इस क्षेत्र में भी वह मातृभाषा की व्यवस्था को अन्य भाषा में आरोपित करने का प्रयत्न करता है। अतः प्रारंभ से ही इनके शिक्षण पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देना। ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्याओं की भांति ही बलाघात और लय के शिक्षण में भी एक एक शिक्षण बिंदु के शिक्षण पर ध्यान देना केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। शिक्षण बिंदु विशेष पर पर्याप्त अभ्यास कराने के बाद ही अन्य बिंदुओं को लिया जा सकता है। इसमें भी समस्याओं को अनुस्तरित करना और उन्हें क्रम में रखना उचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण। मातृभाषा और अन्य भाषा के बलाघात सांचों के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। मातृभाषा के बलाघात और अन्य भाषा के बलाघात को बलाघात चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सामान्य बलाघात और अति सामान्य बलाघात ये जो है दो प्रकार से समझे जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्य अथवा तीव्र बलाघात होता है और गौण बलाघात भी होता है। प्रारंभ में इन चिन्हों का प्रयोग करते समय या करते हुए उच्चारण में बलाघात के प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है। छात्र जब इनका समुचित अभ्यास कर लेता है तब इन सांकेतिक चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। चिन्ह इस प्रकार के हैं कि सामान्य बलाघात है या फिर गौण बलाघात है, इस टाइप से चिन्ह लगे हुए होते हैं, लगा दिए जाते हैं कहाँ पर बलाघात हो रहा है। नेक्स्ट है अनुकरण शिक्षण। बलाघात के शिक्षण में अनुकरण अभ्यास का विशेष महत्व है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने का छात्र अनुकरण करते हैं। मातृभाषा के बलाघात सांचों के स्थान पर अन्य भाषा के बलाघात सांचों के प्रयोग की आदत उत्पन्न करना जरूरी है। इसके लिए अभ्यास सर्वोत्तम साधन है। मातृभाषा तथा अन्य भाषा के बलाघात सांचों का अंतर समश्रोतीय शब्दों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। छात्र दोनों के अंतर को सुनता है और पहचानता है, अंतर को समझते हुए उसका अभ्यास करना अधिक उपयोगी माना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सहायक उपकरणों का प्रयोग। बलाघात का अभ्यास टेप की सहायता से भी कराया जा सकता है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने अथवा मातृभाषा भाषियों के बलाघात को टेप द्वारा सुनाया प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात इसके अनुकरण का अभ्यास भी कराया जाता है। टेप द्वारा सामग्री को प्रस्तुत करने में अन्य सुविधाओं के साथ एक विशेष लाभ ये भी है कि अध्यापक को मार्गदर्शन देने का भी अवसर मिल जाता है। इस पर से कि अन्य भाषा के शिक्षण में बलाघात का व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक हो जाता है, जिससे कि छात्र में इसके प्रयोग की सहज आदत विकसित होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।